The previous lecture we have discussed about the vector operations rule which includes the multiplication of three vectors और हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से तीन vectors को अगर multiply किया जाए तो किस तरह की types वो बन सकती हैं multiplication की तो we will have a two types अगर तो answer हमारा तीन vectors की multiplication का scalar आएगा तो हम उसे scalar triple product कहते थे अगर वो vector आता है तो हमें उसे vector triple product कहते थे फिर हमने इनके कुछ sample problem किए After that, फिर हमने compute किया कि हम इन सबको इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी physical quantities और किसी ना किसी physical results को हासिल कर सकते हैं। Now in this lecture we will discuss about the what is motion. So in this lecture what is motion? तो body जो है अपनी surrounding के लिहाज से किसी भी दो states के अंदर हो सकती है। It could be in rest form, it could be in motion form or moving form. So with respect to the surrounding A body has particular position, तो उस वाले से हम देखेंगे कि body जो है वो कितनी तरह वो किस तरह move करती है अगर वो body अपनी motion करती है तो वो कितनी तरह की है we will discuss और हम उसकी जो types of the motion है उसको surrounding और कुछ parameters के लिहाज से major तीन parameters के मुताबिक discuss करेंगे types of motion based upon path अगर path के लिहाज से देखा जाए तो body को हम टाइप्स के हिसाब से उसकी मोशन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर बॉडी किस तरह के पाथ को फॉलो करेगी इसकी टाइप्स डिक्लेयर करती है सिमिलरली द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी तो उस हवाले से देखा जाए तो आपके पास आपके हवाले से टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द पीरियोडिसिटी तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द पीरियोडिसिटी आपकी अगर मोशन पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है तो उस हवाले से भी आपके पास जो है ये देखा जा सकता है कि आपकी मोशन जो है वो पीरियोडिक होगी या नॉन पीरियोडिक होगी सिमिलरली द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन स्पीड तो स्पीड के हवाले से भी देखा जाएगा कि आया क्या आपकी जो बॉडी है वो सेम स्पीड के साथ मूव करती है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के मोशन के लाएगी अगर वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लाएगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लाएगी सो लेट्स स्टार्ट अवर द फर्स्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम तो ऐसी व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम तो इस तरह की हम मोशन को क्या कहते हैं इस तरह की मूवमेंट को और इस तरह की चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम मोशन कहते हैं होता यह है जी कि बॉडी अपने इर्द गिर्द माहौल सराउंडिंग के लिहाज से अगर अपने आप को तब्दील करती होगी तो आप उसे उसकी इनर स्टेट ऑफ मोशन कह सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन को देखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करती है अगर फैन को देखते हैं तो वो रोटेट करता है अगर आप अर्थ को देखते हैं तो वो रिवॉल्व करती है अगर आप बीच को देखते हैं तो वो रैंडम मोशन करती है तो इस तरह की सारी टाइप्स जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो हम बनाते हैं उसको हम टाइप्स ऑफ मोशन में डिक्लेयर कर देते हैं तो टाइप्स ऑफ मोशन के लिहाज से हमने अपने इस लेक्चर के लिहाज से क्लासिफाई किया है तीन बेसिस के ऊपर पाथ के ऊपर पीरियोडिसिटी के ऊपर और स्पीड के ऊपर पाथ के लिहाज से देखा जाए तो ऐसी बॉडी ऐसी मोशन जो पाथ डिपेंडेंट होंगी और किस तरह का पाथ फॉलो किया जाएगा उसके मुताबिक अगर उनको देखा जाएगा तो वो कहलाएगी पाथ डिपेंडेंट मोशन टाइप इसी तरह पीरियोडिसिटी के वाले से इसी तरह स्पीड के वाले से सो लेट्स स्टार्ट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ मोशन अगर आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से मूव करती है पाथ के ऊपर तो इस तरह के हमारे पास टोटल पांच टाइप हैं वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी सर्कुलर ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन
तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेटरी के अंदर वो स्ट्रेट पाथ होगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे रोटेटरी के अंदर आपके पास सर्कुलर पाथ होता है या किसी एक्सिस के अंदर रोटेशन होती है, सर्कुलर के अंदर जो है वो किसी एक पॉइंट के गिर्द घूमना होता है, ऑसिलेटरी के अंदर एक पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करना होता है, वाइब्रेटरी के अंदर दोनों एंड्स फिक्स करके उसके गिर्द ही वाइब्रेट करना होता है। सिमिलरली थर्ड टाइप जो है वो है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिसिटी के हवाले से कुछ मोशन ऐसी होती हैं जो हर टाइम के अंदर के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, तो दीज आर कॉल्ड पीरियोडिक, बेसिकली द रिपीटेड मोशन एंड नॉन रिपीटेड या नॉन रिपीटेबल मोशन। द थर्ड वन आर द बेस्ड अपॉन द स्पीड। इफ द बॉडी हैज द सेम स्पीड और कांस्टेंट स्पीड देन सच टाइप मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो बॉडी की स्पीड और वो सेम नहीं है तो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द पाथ। पाथ के लिए आज हमने पांच मोशन की टाइप्स हैं हमने लास्ट भी जिक्र किया, वो है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सो वी हैव सर्कुलर मोशन, वी हैव ऑसिलेटरी मोशन एंड वी हैव वाइब्रेटरी मोशन। सो we have total five types of the motions here. Let's start with the translating motion. If an object moves in a line in such a way that every point on the object of the object moves through the same distance in the same time, then the motion of object is called translating motion. जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर एक object in a line, so here is a point to be noted, whenever an object moves in a line, then such type of motion is called translating motion. And the common sense says that line could be straight path, line could be curve, line could be zigzag. So as line have different types, so we can also have different types of translatory motion. So in a general translatory motion जो है वो आपकी गाड़ी है और आप उसमें बैठे हैं तो एक position से आप दूसरी position पर जाते हैं, तो you will notice that with the car we are also moving. और आप दोनों कार और आप जो है वो एक टाइम पे ही एक पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ द मोशन आर कॉल्ड ट्रांसलेटिंग मोशन। फॉलिंग एप्पल जो है ट्री से वो भी ट्रांसलेटिंग मोशन है, बॉय वॉकिंग ऑन अ रोड वो भी ट्रांसलेटिंग है, पुशिंग ऑन अ बॉक्स ये भी ट्रांसलेटिंग मोशन कहलाता है। सो एज द लाइन कुड बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, स्ट्रेट भी हो सकती है, zigzag curve भी हो सकती है, तो इस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन भी दो हिस्सों में तकसीम की गई है। तो हियर इज द सब डिवीजन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, देयर इज द टू सब डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज द फर्स्ट इज द रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। सो इफ अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ देन स्ट्रेट देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। So if the line is curved or zigzag, then such type of motion is called the curvilinear motion. As you can see here, if a translatory motion of the body is along a straight line, point to be noted, here is a straight line. It is said to be the rectilinear or linear motion. As you can see here, whenever things fall towards the earth, जैसा कि आपके पास सामने सेब है और एप्पल है, ये अर्थ के इन्फ्लुएंस के साथ ही नीचे गिरता है, तो ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड एक्ट करती है फोर्स, तो ये स्ट्रेट पाथ के अंदर हमेशा होगा। व्हेनेवर यू पुश अ बॉक्स, जो आपका भारी भरकम बॉक्स हो, तो आप उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर ड्रैग करते हैं। ये बच्चों का मार्च पास है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कंडक्ट किया जाता है, तो सच टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर बिकॉज दीज मोशन आर इन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। एज On contrary, if we have a curved path, then you can say if the translatory motion of the object is along curved path, it is said to be curvilinear motion. So it's a very simple thing. You can see here a car should move along the road and the road is zigzag, then such type of motion is called curvilinear motion because the path followed by the body is not a straight path, it's a curved path, so that's why it is called the curvilinear motion. Similarly, as you can see here, whenever the kid pushed this football, then this football moves in a quite straightforward way but followed a curved path. Due to this curved path, the ball motions will be known as curvilinear motion because it is basically the ball is getting the linear motion but in a curved path, so that's why it is called the curvilinear motion. Similarly, the second type of the
motion based upon the path is called rotatory motion. So we can say that whenever you body followed the rotatory path, जिसके अंदर बॉडी के अपने एक्सिस के अगेंस्ट बॉडी घूम रही होती है, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं जी, रोटेटरी मोशन कहते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सच वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, द मोशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. एज यू कैन सी हियर, व्हेनेवर अ सीलिंग फैन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, then the, all the wings are going to be moved in this particular way. So explanation of rotatory motion with example, the spinning of the top on its axis, rotation of the earth on its axis, jo hai ye sare ke sare kya hai rotatory motion ki example. So what is, how we can differentiate between the rotatory and translative motion? Very simple way, rotatory motion jo hai uske andar aapke paas jo body ke parts hain wo ek time ke andar move nahi kar rahe, as you can see here. इसकी ए वाले हिस्से का टाइम स्पैन डिफरेंट है, बी वाले हिस्से का डिफरेंट होता है, और सी वाला जो है वो उस सब से डिफरेंट है. तो ये सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा है, ये उससे लोएस्ट स्पीड पे मूव करता है, और ए जो है वो सबसे लो स्पीड पे मूव कर रहा है. सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन द रोटेटरी एंड रोटेटिंग मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसलेटरी, बिकॉज़ इन रोटेटिंग मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द डिफरेंट डिस्टेंस ड्यूरिंग द सेम टाइम. द पार्ट ऑफ बॉडी नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर स्मॉलर डिस्टेंस than the distance of parts of the body. तो उस वाले से ये quite different है एक दूसरे से. Similarly, what are the circular? It's a very simple way. नाम से ही जा रहे हैं. जब कोई body circle में move करती है, तो हम उसको circular motion कहते हैं. The motion of the body along a circular path is called circular motion. Circular motion is a special type of curvilinear motion in which the distance of moving object from a fixed point call does not change. So as you can see here, there is the earth and a satellite is orbiting around the earth. So jo satellite hai wo kaun si motion follow kar raha hai, ye circular path wali motion follow karta hai, aur ye circular path ko follow kar raha hai. So as you can see here, this satellite is basically related to the circular path. To sawal se ye aapke paas kya hai, ये सर्कुलर पाथ की मोशन कहलाती है. मोस्ट ऑफ द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन आर द सेम एज द रोटेटरी. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन. इन रोटेटरी मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ बॉडी इटसेल्फ, वेयर द सर्कुलर मोशन इट पासेस थ्रू द पॉइंट आउटसाइड द बॉडी. अब यू कैन सी दैट कि इसके अंदर हमने जिस पॉइंट पे मूव करना है, ये बॉडी के आउटसाइड पे लाया करता है, जबकि इधर अगर ये अर्थ रोटेट करती है अपने अंदर इटसेल्फ, तो ये जो एक्सिस होगा ये इस बॉडी के अंदर से विद इन द बॉडी पास करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज द मेजर डिफरेंस. एक्सिस जो है उसके डिफरेंट होते हैं, इसके आउटसाइड द बॉडी होते हैं, इसके इनसाइड द बॉडी होते हैं. इन द सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फिक्स ऑलवेज रिमेन द सेम, वेयर इज नॉट द सेम फॉर द कर्वीलिनियर मोशन. तो ये याद रखें कि सर्कुलर पाथ हो या रोटेटरी मोशन हो, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन, हमेशा जिन जिस भी एक्सिस के गिर्द ये घूमते हैं वहां पे इनके बॉडीज का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. तो ऑसिलेटरी मोशन, आपके पास ये बॉडी पेंडुलम है और ये इतनी मीन पोजीशन पे है, अगर आप इसको टिल्ट करते हैं और वो ए पोजीशन पे आ जाता है और यहाँ पे वो बी पोजीशन पे, तो आप इसको छोड़ते हैं तो वो ए से बी और बी से ए मोशन करता है. सो सच टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इन इट्स रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर मोशन ऑफ अ स्विंग और मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक रिप्रेजेंट द ऑसिलेटरी मोशन. सो इट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन इज टिपिकली द सेम एज वी हैव ऑसिलेटरी मोशन विद द लाइट डिफरेंस. What is the difference here? As you can see here, in the previous slide, the body is attached with only one side. यहाँ से body एक side पे fix है, जबकि इसके दौरान यहाँ पे body जो है वो double sides के ऊपर fix है. तो उस वाले से हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये double sides पे इसको बांधा गया हुआ है, fix कर दिया गया हुआ. जब आप इस body को rotate यहाँ से plug करते हैं, तो उस वजह से ये क्या है, double ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करती है, हम इसकी वाइब्रेशंस कहते हैं इसको. तो इन वाइब्रेशंस को हम जब स्टडी कर देंगे इस तरह की सिचुएशंस के साथ, तो इसे वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं. एज यू कैन सी हियर स्ट्रिंग, यहाँ पे गिटार के अंदर भी जो स्ट्रिंग है वो दोनों साइडों पे एंड बंधे हुए होते हैं, वायलिन पे भी स्ट्रिंग जो है वो बंधे हुए होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं. तो उस वाले से हमारे पास जो है ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल होगी. तो इन द सेम वे द टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द पीरियोडिसिटी. तो उस वाले से हमारे पास जो है
अगर आपकी बॉडी की मोशन जो है वो पीरियोडिक है या नहीं है पीरियोडिक, तो उस हवाले से हम देख सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स। अगर तो बॉडी खुद को रिपीट करती है खास टाइम के बाद तो इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर वो बॉडी अपने आप को रिपीट नहीं करती है खास टाइम के बाद तो इट इज कॉल्ड द नॉन पीरियोडिक मोशन। सो हियर वी हैव पीरियोडिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन दैट गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो जस्ट लाइक वी से सम पीरियोडिक मोशन एग्जांपल्स आर अर्थ जो है वो अपने आप को तकरीबन 356.25 डेज, जिसे आप 356.25 डेज कहते हैं उसके हिसाब से करते हैं। इसी तरह से अपना मून जो है, चांद जो है वो अर्थ के गिर्द तकरीबन 27 डेज के बाद अपने आप को रिपीट करता है अपनी मोशन को। पेंडुलम जो है वॉल क्लॉक वाला, वो 2 सेकंड के हिसाब से अपने आप को रिपीट करता है। एंड द मोशन ऑफ द नीडल स्विंग जो है वो भी अपने आप को रिपीट करती है कंटिन्यूसली। एज यू कैन सी हियर ये अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट करती है जब वो वीविंग कर रही होती है। सो इन दीज एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड दीज आर दी हाउ द मोशन रिपीट इटसेल्फ। बट फॉर द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। For example, motion of footballer during the match. The motion of the footballer during the match is quite, you can say, random motion. So that's why it does not repeat itself. Similarly, a ball rolling down the ground gradually slows down and finally stops. It's the non-periodic motion. The motion of the sea water or etc. are basically the example of non-periodic motion. And the last type of the motion is discussed about with respect to the types of motion based upon the speed. As we have discussed earlier, if the speed is constant, तो ऐसी speed को हम motion को कहते हैं uniform motion कहते हैं। और अगर वो speed जो variable होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे कि non-uniform. For example, as you can see here, in this example, अगर for example a man drives a car from city A to another city B. एक आदमी है जी, उसने कार को चलाया है और वो सिटी ए से सिटी बी के दरमियान गया है। उसने तीनों स्टेप्स के ऊपर देखा है कि हर आधे घंटे बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 30 किलोमीटर है। फर्स्ट हाफ आवर के अंदर 30 किलोमीटर कवर करता है, फिर एक स्टॉप करता है, फिर अगले सेकेंड आवर अपना हाफ आवर के अंदर वो 30 किलोमीटर कवर करता है, फिर रुक जाता है, फिर आफ्टर डैट वो अगले हाफ आवर के अंदर 30 किलोमीटर कवर करता है और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। ड्यूरिंग दैट अगर आप गौर करें तो इसने हर दौरानिए के अंदर, हर टाइम लिमिट के अंदर एक जैसा डिस्टेंस कवर किया। सो इट हैज द सेम वैल्यू है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपको याद होगा स्पीड कहलाता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो 30/0.5 इट बिकम्स 60, इसके लिए भी 60 आ रहा है, इसके लिए भी 60 आ रहा है। सो इट्स मीन इस बंदे ने जो जिस स्पीड से गाड़ी चलाई है एट इट हैज द 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो उस हवाले से इन सब के लिए सेम इसकी स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। और इसने ओवरऑल तौर पर 90 किलोमीटर जो है वो कवर किया। तो इस तरह की जो मोशन होती है बॉडीज की जिसके अंदर स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एज यू कैन सी हियर If a moving body travels the equal distance in equal interval of time, its motion is said to be uniform. Thus, for uniform motion, the speed of the moving body remains constant. Let us understand this by an example. As you can see here in the previous example, ये सारी की सारी क्या हैं? ये constant हैं. Just और इसके addition के अंदर revolution of Earth around the Sun भी constant, revolution of Moon around the Earth वो भी constant, and movement of hands of clock वो भी क्या है जी यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। बट इन कंट्रास्ट अगर आपके पास जो है बॉडी पुराने केस के हिसाब से देखा जाए तो बॉडी जो है इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। दस फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। For example, as you can see and in understanding, here the same situation and with another driver, आप देख सकते हैं कि वो भी सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रहा है, बट इसके अंदर गाड़ी ने पहले 1 आवर के अंदर 30 किलोमीटर कवर किया, फिर वो स्टॉप किया है, फिर नेक्स्ट हाफ आवर के अंदर उसने 30 किलोमीटर कवर किया, फिर स्टॉप करता है, फिर वो 15 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर ऑब्जर्व करता है।
तो अगर हम स्पीड के हिसाब से बात करें तो उस फॉर्मूला के हिसाब से तो 30/1 तो ये आता जी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आप डिस्टेंस में करें तो ये 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 30/0.25 करें तो ये तकरीबन मान लो 120 किलोमीटर आवर आता है। तो आप देख सकते हैं कि हर स्लैब के लिहाज से देखा जाए तो तीनों के लिए जो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट है। स्पीड्स अगर जब तीनों के लिए डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी की जो मोशन है इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस हवाले से इस ड्राइवर ने हर दौरानिए के अंदर, हर टाइम लिमिट के अंदर जो है वो डिफरेंट स्पीड जो है इस्तेमाल की है, इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनाया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस स्पेशली अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स एंड एप्लीकेशन। हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि पोजिशन वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद हम इनकी वेलोसिटी, इनका एक्सेलरेशन, फिर इनके दरमियान फोर्स कैलकुलेट करना और उनको रिलेट करके कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी आप किसी किस्म का क्वेश्चन है उसके लिए आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन जो है उसको इस्तेमाल करें। जूम मीटिंग के जरिए से भी आप अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप ये सारा कुछ ऐड डिस्कस कर सकते हैं, एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।